राजस्थान की सीमा पर पाकिस्तान की नापाक नजर है। सीमा पर पाकिस्तान ने तकरीबन 180 बंकर बना लिए हैं और ये बंकर जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर के पास जो भारत और पाकिस्तान की सीमा लगती है उस जगह पर बनाई गई है। बीएसएफ ने एक रिपोर्ट केंद्र को भेजी है, उसमें ये जानकारी दी गई है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार हमारा पड़ोसी आखिरकार इन बंकर का निर्माण क्यों कर रहा है? क्या कोई जंग की तैयारी पाकिस्तान की ओर से की जा रही है या फिर जो जम्मू कश्मीर से जिस तरीके से घुसपैठ की जाती है, करवाई जाती है सेना के संरक्षण में, क्या उसी तरीके के घुसपैठ की कोशिश आने वाले वक्त में राजस्थान की सरहद जो सरहदी जिले हैं बाड़मेर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर, बीकानेर, उन जगहों से करवाने की कोशिश की जाएगी? हालांकि इस रिपोर्ट में साफ तौर पर यह कहा गया है कि तकरीबन 180 बंकर हैं जो बनाए गए हैं। बीएसएफ ने इस रिपोर्ट के बाद चौकसी हालांकि हमेशा होती है लेकिन फिर भी आप चौकसी और बढ़ा दी गई है। जैसलमेर से लगती भारत पाक सीमा के पास पाकिस्तान की बढ़ती गतिविधियों ने भारत की चिंता को बढ़ा दिया। सैन्य सूत्रों से जानकारी मिली है कि सीमा के उस पार पाकिस्तान कई बंकर और मोर्चों का निर्माण करा रहा है। बॉर्डर पर पाकिस्तान 80 से ज्यादा बंकर और मोर्चा बना रहा है जिसने सेना की चिंता बढ़ा दी है। सीमा पर बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए बीएसएफ अलर्ट पर है। सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई, हालांकि बंकर बनाए जाने की सूचना की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है लेकिन जो रिपोर्ट भेजी गई है उसमें यही कहा गया है कि बंकर का निर्माण पाकिस्तान ने अपनी सीमा में किया है। जयपुर में आईपीएल मैचेस का विरोध शुरू हो गया है। आज बड़ी संख्या में लोग एसएमएस स्टेडियम के बाहर इकट्ठा हुए और आईपीएल मैचेस के खिलाफ नारेबाजी की। ये लोग आईपीएल मैचों को रद्द कराने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर जयपुर से आईपीएल के मैचेस को शिफ्ट नहीं किया गया तो आगे आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इस वक्त राजस्थान में पानी की जबरदस्त किल्लत हो रही है और ऐसे मौके पर आईपीएल मैचेस करवाए जा रहे हैं। स्टेडियम की साफ सफाई के नाम पर, स्टेडियम की खूबसूरती को मेंटेन करने के नाम पर हजारों लीटर पानी बर्बाद होता है। इसी का विरोध लोग कर रहे हैं कि आखिरकार जब लोगों तक पानी नहीं पहुंच रहा, लोग सूखे से जूझ रहे हैं, ऐसे में आईपीएल कराना कहां तक सही है। महेश पारिक ने कोर्ट में याचिका लगाई हुई है। राजस्थान लोगों ने एसएमएस स्टेडियम के गेट के बाहर प्रदर्शन किया है। ये जयपुर में जो हो रहे आईपीएल मैच उनके विरोध में आज हमने प्रदर्शन कराया है सवाई मानसिंह स्टेडियम के मुख्य द्वार पर। और हमारी प्रमुख मांग ये है कि जयपुर में जो जल का संकट गहराया जा रहा है, पेयजल की समस्या है, आप देख रहे हो आए दिन अखबारों में जलदाय विभागों में जनता जाके प्रदर्शन कर रही है, जनता सड़कों पर उतर रखी है, जिसके विरोध में हम यहाँ पे आए हैं। उदयपुर दौरे पर आए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सूबे में सूखे और आईपीएल मैचेस के मुद्दे पर सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश सूखे के संकट से जूझ रहा है लेकिन सरकार की तरफ से सूखे से निपटने के कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं, लोगों को पानी मुहैया नहीं हो रहा है। उन्होंने आईपीएल मैचेस को लेकर हुए विवाद पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि जब से आरसीए का गठन हुआ है तब से कोई ना कोई विवाद चला रहा है। आरसीए में पॉलिटिक्स होना नई बात नहीं है, सरकार को मैच की बजाय लोगों को पानी देने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। सबको मालूम है सरकार की लापरवाही की पराकाष्ठा है, पानी का बहुत बड़ा संकट आने वाला है, कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने वाली है, सरकार को इन बातों की चिंता करनी चाहिए। सरकार लापरवाह है। आईपीएल मैच को लेकर जो पॉलिटिक्स हो रही है वो नई बात नहीं, मैं समझता हूँ कि वसुंधरा जी और पूरे लोग जब से आरसीए बना है तब से कोई विवाद पैदा किया गया है, तो ये पूरा मामला जो है बहुत गंभीर है। और आइए अब आपको बताते हैं कि कल हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान क्या कुछ कहा था। जयपुर हाईकोर्ट ने कहा कि राजस्थान पानी के संकट से जूझ रहा है, पानी की कमी के बीच जयपुर में आखिरकार आईपीएल के मैचेस क्यों करवाए जा रहे हैं, आईपीएल के मैच महाराष्ट्र से जयपुर शिफ्ट आखिर क्यों किए गए। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार, बीसीसीआई, आरसीए, पीएचडी को भी
नोटिस जारी किया है, 27 अप्रैल तक तो जवाब मांगा है। उदयपुर दौरे पर आए पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने किसानों के बहाने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सूबे में सूखे के हालात हैं, लेकिन राज्य सरकार सूखे से निपटने के लिए ठोस कदम नहीं उठा रही। किसानों से कम दर पर प्याज खरीद कर बाजार में ज्यादा कीमत पर बेचा जा रहा है। बीजेपी के राज में कालाबाजारी जोरों पर है, पेयजल संकट से निपटने के लिए कदम नहीं उठाए जा रहे। इससे पहले उदयपुर दौरे पर आए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने डबोक एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया। देश भर में सूखे के हालात बने हुए हैं और राज्य सरकार को जरूरत थी कि कई महीने पहले पूरे प्रदेश के लिए एक कंटिजेंसी प्लान बनाना चाहिए था। पीने के पानी की किल्लत है, मवेशियों के लिए, जानवरों के लिए पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। मेरा ऐसा मानना है कि राज्य सरकार को अलग से बजट आवंटित कर यहाँ पर लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए व्यवस्था कायम करनी चाहिए थी। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने एक ऐतिहासिक कार्यक्रम शुरू किया है। यह कार्यक्रम है ग्राम उदय से भारत उदय। कार्यक्रम के जरिए देश का हर गांव अब सीधे केंद्र सरकार से आसानी से जुड़ सकता है। अंबेडकर की 125वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसी योजना की शुरुआत की जिसकी कल्पना आजादी के बाद अब तक नहीं की गई थी। ये कार्यक्रम है ग्राम उदय से भारत उदय का, यानी गांव के विकास से भारत का विकास करना। ग्रामोदय से भारत युद्धोई एक नई योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत अब सीधा केंद्र सरकार अपने बजट का पैसा पंचायतों को भेजेगी। यानी कुल मिलाकर ग्राम गणराज्य का जो सपना था महात्मा गांधी का, वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है बड़ा रिफॉर्म के तौर पे। इस योजना के तहत केंद्र से पैसा सीधे गांव तक पहुंचेगा और ग्राम पंचायत तय करेगी कि गांव के विकास के लिए क्या करना है। यहां पर पंचवर्षीय योजना बना सकते हैं गांव, और इसीलिए ग्राम सभा का आयोजन करा जा रहा है, जहां ग्राम सभा ये निर्णय करे, निश्चय करे कि आने वाले 5 साल में ये जो साधन आ रहे हैं हमारे पास केंद्र सरकार से, इसको हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी प्रायोरिटीज बना लें और उस हिसाब से उसको इस्तेमाल करें। इस योजना से देश के 2.5 लाख पंचायतों को जोड़ने और उन पंचायतों को केंद्र सरकार और मोदी से जोड़ने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। कि एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाई है जिसके अंदर पंचायत या कोई भी व्यक्ति जो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, वो अपने गांव में होने वाली जितनी भी गतिविधियां हैं, टिप्पणियां हैं, वीडियो हैं, उनको अपलोड कर सकते हैं। यानी केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री जी से सीधा का सीधा गांव का जुड़ाव। इस ऐप के जरिए अब गांव के लोग भी ग्राम उदय से भारत उदय के कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। इस मोबाइल ऐप को इस्तेमाल करना बेहद आसान है। सबसे पहले आपको अपने गूगल प्ले स्टोर में जाना है और ग्रामोदय टाइप करना होगा। ग्रामोदय टाइप करते ही एक एक एप्लीकेशन ग्रामोदय से भारत उदय तक, बस क्या आप अपने गांव के बारे में, अपनी पंचायत के बारे में, किसानों के बारे में, उनकी समस्याओं के बारे में, या फिर कोई पिक्चर या वीडियो अपलोड करना चाहते हैं या किसी भी तरह की बात लिखना चाहते हैं तो टेस्टिमोनियल्स में आप लिख सकते हैं। ये हर व्यक्ति के लिए है जो कोई भी डाउनलोड कर ले। मान लीजिए आप कहीं चर्चा कर रहे हैं और कोई साधारण नागरिक भी उसको लोड कर सकता है कि ये चर्चा जो हो रही है इसमें मेरी बात सुनी जा रही है और हमने ये निर्णय कराया मिलकर कि हम इसको यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे और ये हमारी फोटो है, यहाँ हमारे वीडियो है, या कोई विपरीत टिप्पणी देना चाहे। अब आप अपनी एप्लीकेशन से बात देश भर तक पहुंचा सकते हैं, दूसरे गांव वालों को दिखा सकते हैं आप क्या कर रहे हैं। इस मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए ग्रामोदय से भारत उदय कार्यक्रम की जानकारी, तस्वीरें और वीडियो कोई भी देख सकता है। केंद्र की मोदी सरकार किसानों को सीधे वैज्ञानिकों से भी जोड़ेगी जो उन्हें बेशकीमती सलाह दे सकेंगे। राहुल जवास, समाचार प्लस, दिल्ली। और इस वक्त बड़ी खबर नागौर से आ रही है, जहां पर लेडी डॉन अनुराधा की डिडवाना की कोर्ट में पेशी हुई है। जीवन गोदारा हत्याकांड, इंद्रचंद अपहरण के मामले में अनुराधा की पेशी आज कोर्ट के सामने हुई है। आनंदपाल गैंग के 11 हार्डकोर अपराधियों की भी पेशी हुई है और इन सभी अपराधियों को कड़ी सुरक्षा के बीच डीडवाना कोर्ट लाया गया है। तो बड़ी खबर अर्थात नागौर से आ रही है, जहां पर डीडवाना कोर्ट में लेडी डॉन अनुराधा की पेशी हुई है।
इसके अलावा आनंदपाल गैंग के 11 और हार्डकोर अपराधियों की भी पेशी हुई है। सभी को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट के समक्ष पेश किया गया। यूनुस इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। यूनुस, किस तरीके की व्यवस्था की गई है, क्योंकि जब भी आनंदपाल के गुर्गों की पेशी होती है सुरक्षा व्यवस्था बड़ी चाक चौबंद रखी जाती है। देखिए धर्म साहब, जो दुधवाना के अंदर दो अलग अलग मामलों की सुनवाई चल रही है। इंद्र चंद अपहरण मामला है, दूसरा जीवन राम डोडर हत्याकांड के अंदर 11 केस जो है इस मामले के अंदर अलग अलग जेलों से लाए गए हैं और तमाम सुरक्षा के अगर पुख्ता इंतजाम किए गए। सीआरटी आरएसी और अलग अलग थानों के अतिरिक्त जाब्ते वहाँ पे लगाए गए हैं, क्योंकि देखे तो इन दिनों आनंदपाल जब से परदेसर से फरार हुए उसके बाद के अंदर ये गैंगस्टर बहुत ही सक्रिय हुआ है नागौर जिले में। उसके बाद में जो दूसरा गैंगस्टर है राजू ठेठ, तो इन दोनों में आपसी दुश्मनी की वजह भी सामने चल रही है। तो पुलिस अलर्ट है पूरे सुरक्षा इंतजाम को लेकर और पूरी छावनी में तब्दील कर दिया गया पूरे कोर्ट परिसर को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस इस जानकारी के लिए आपका। सूबे में नशे के सौदागर बेखौफ हैं। गुलाबी नगरी में नशे का कारोबार जोर शोर से चल रहा है। जयपुर में प्रतिबंधित ड्रग गांजे की बिक्री हो रही है। छोटे बच्चे भी नशे की जद में हैं। ये कड़वी हकीकत समाचार प्लस के स्ट्रिंग से सामने आई है। स्ट्रिंग के दौरान परकोटे के जलेब चौक, ट्रांसपोर्ट नगर, एमआई रोड और सरकारी अस्पतालों के आसपास गांजे की पुड़िया बेची जा रही है। जेकेलोन अस्पताल और एसएमएस अस्पताल समेत अलग अलग इलाकों में नशे की पुड़िया बिक रही है। लोग नशे का सेवन कर रहे हैं। ये तस्वीरें प्रशासन के उस दावे की पोल खोलने के लिए काफी हैं, जिनमें नशे की रोकथाम की कोशिश जारी होने की बात कही गई है। अब हम आपको उस स्ट्रिंग का कुछ हिस्सा दिखाते हैं कि कैसे गुलाबी नगरी में गांजा खुलेआम बिक रहा है और लोग उसे खरीद भी रहे हैं। मेरे हरियाणा के दोस्त आए हैं, हम पार्टी करेंगे। वो नारगढ़ है ना, क्या नाम उसका, ये क्या बोलते हैं उसको, जलमेल के सामने बात हुआ है, क्या वो लाते हैं? वो तो भांग होगी। अच्छा, गांजे में भांग में अंतर नहीं होता है? आप जो आपने ये गांजा दिया है ना, सेम वही वो जो वही फूट पूरी है दिखता हो लाते होंगे कई माल नहीं। और सुनो, बस एक पूरी वही हिसाब अपना काम ये है। इसके गांजे के बीज ही मिल सकते हैं क्या यार? तुम कितना दिमाग था अब आप जान रहे हो, आप नहीं करते यार। हम क्या जाने, हम लाते पाउडर लेते। अच्छा, पाउडर हमारा काम नहीं हो जाता। कितना नंबर है क्या? तो आपने देखा किस तरीके से खुलेआम एक मादक पदार्थ बेचा जा रहा है, बेखौफ होकर बेचा जा रहा है और कोई इन्हें किसी चीज का डर नहीं है। खुलेआम ये ग्राहक से मिलते हैं, हमारा हमारे जो संवाददाता हैं वो भी एक ग्राहक बनकर गए, तो बोली भी लग रही है, मुहैया ज्यादा मात्रा में मुहैया कराने की बात भी की जा रही है। सिर्फ कोई एक जगह नहीं है, पौश इलाकों में भी ये कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है और ये कितने बड़े पैमाने पर हो रहा है इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े लोग इसमें शामिल हैं। और जब इतना खुलेआम जब ये काम हो रहा है तो समझना मुश्किल नहीं है कि ये जो कमाई होती है उस कमाई का एक अच्छा खासा हिस्सा सरकारी लोगों तक पहुंचता होगा, जिन पर ये दारोमदार है, जिन पर ये जिम्मेदारी है कि उस कारोबार को ना होने दें। और इस ये हमारे स्ट्रिंग का कुछ हिस्सा है, लेकिन आज दोपहर 3 बजे पूरी स्टोरी आपको हम दिखाएंगे, पूरी कहानी बताएंगे कि किस तरीके से जयपुर में इस मादक पदार्थ गांजे की बिक्री धड़ल्ले से हो रही है।
अब ये एक मादक पदार्थ है तो सजा भी होती है, इस सजा का प्रावधान क्या है वो भी आपको हम बता देते हैं। गांजा एनडीपीएस एक्ट के तहत पूरी तरीके से प्रतिबंधित है, मात्रा के अनुसार अधिकतम 20 साल की सजा का प्रावधान भी है, 1 से 20 किलो तक अधिकतम 10 साल सजा और जुर्माना भी ऐड है। इसके अलावा 20 किलो से ज्यादा पर 20 साल की सजा और जुर्माना, 1 किलो से कम अगर गांजा किसी के पास से मिलता है तो 3 साल की सजा है और जुर्माना भी है। प्रदेश के सबसे बड़े खान घूसकांड के मुख्य आरोपी खान विभाग के तत्कालीन मुख्य सचिव अशोक सिंघवी सहित 4 आरोपियों की जमानत गुरुवार को कोर्ट ने मंजूर कर दी। ये सभी पिछले 8 महीने से जेल में हैं। जमानत के बावजूद सिंघवी अब भी जेल में ही रहेंगे क्योंकि सिंघवी के घर से विदेशी शराब बरामद होने के मामले में अभी जमानत अर्जी पर सुनवाई बाकी है। शाहपुरा के मनोहरपुर कस्बे में कल हुई महिला सरपंच की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस हत्या के आरोप में महिला सरपंच के पति को गिरफ्तार किया है। पुलिसिया पूछताछ में आरोपी दीपक शर्मा ने बताया कि उसकी पत्नी कृष्णा के हरिराम नाम के शख्स के साथ अवैध संबंध थे। दीपक ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। पत्नी की बेवफाई से परेशान होकर उसने पत्नी की हत्या कर दी। आपको बता दें कि महिला सरपंच का शव उसी के कमरे में मिला था। मृतक के हाथ की नस कटी हुई थी, मृतक के गले पर भी चोट के निशान थे। झुंझुनू में रिश्तों को शर्मसार करने का एक मामला सामने आया है। मामला उदयपुर वाटी का है जहां विवाहिता ने अपने चाचा ससुर पर उसे बेचने की कोशिश का आरोप लगाया है। पीड़ित ने पुलिस पर मामले में कार्रवाई नहीं करने का भी आरोप लगाया है। मामला गिरावडी गांव का है जहां चाचा ससुर पर विवाहिता को बेचने की कोशिश का आरोप लगा। पीड़ित ने बताया कि उसका चाचा ससुर उसकी दूसरी शादी कराना चाहता है। इस बारे में कई बार शिकायत की गई लेकिन आरोपी के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पीड़ित ने पुलिस पर धमकाने का भी आरोप लगाया है। एक साथ में राजकुशी रह रही हूँ, 1.5 साल से मेरे पर लगाव के रखे, मारना पीटना गुनीश तारीख में साफ साफ नट गई, दूसरी जगह भरतपुर में प्रेम प्रसंग में असफल होने पर छात्रा ने खुदकुशी कर ली। सूचना पर पुलिस भी पहुंची, लाश को अपने कब्जे में लिया। घटना तिलक नगर कॉलोनी की है जहां पॉलिटेक्निक कॉलेज की छात्रा ने फांसी लगाकर जान दे दी है। छात्रा उच्चैन के रिचौली गांव के रहने वाले थे। मृतक के पास से एक सुसाइड नोट मिला जिसमें उसने अपने बॉयफ्रेंड से नाराज होने की बात लिखी है। पुलिस ने सुसाइड नोट कब्जे में लेकर मामले की जाँच शुरू कर दी। थाने से सूचना मिली एक लड़की ने फांसी लगा ली, कुंदा में लड़की भी मिली थी, फांसी लगाई थी। सुसाइड नोट मिला था उसका, उसको कब्जे पुलिस ले लिया है और एक सुननी थी उसको जब्त कर लिया। राज्य सरकार ने भाषा एवं पुस्तकालय विभाग के अंतर्गत राजस्थान राज्य पुस्तकालय परिषद का गठन किया है। परिषद का गठन शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में हुआ। परिषद के उपाध्यक्ष शासन सचिव स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग होंगे। इसके अलावा परिषद में 18 सदस्यों को शामिल किया गया है। राजस्थान राज्य पुस्तकालय परिषद प्रदेश में पुस्तक संस्कृति के विकास के लिए काम करेगी। परिषद को सार्वजनिक पुस्तकालय को और बेहतर बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। झुंझुनू के दर्शक अगले 3 महीने तक सिनेमाघर में बैठकर फिल्म नहीं देख पाएंगे। दरअसल प्रशासन ने शहर के 2 सिनेमाघरों का लाइसेंस 3 महीने के लिए निलंबित कर दिया है। अधिकारी ने बताया कि प्रभात टॉकीज को जारी लाइसेंस 31 मार्च 2011 और महेश टॉकीज को जारी लाइसेंस 31 मार्च 2014 तक के लिए वैध था। दोनों सिनेमा हॉल के लाइसेंस की अवधि खत्म हो चुकी है। सिनेमा हॉल संचालकों ने निर्धारित शुल्क भी जमा नहीं कराया था। प्रशासन ने सिनेमा हॉल संचालकों को हॉल की मरम्मत कराने के लिए भी निर्देश दिए हैं। दोनों सिनेमाघरों द्वारा पिछले 2-3 साल से अपने जो अनुज्ञा पत्र है उनका नवीनीकरण नहीं करवाया जा रहा है। मिड बिल्डिंग वाल से इनकी रिपोर्ट आनी थी, वो हमें
अभी हाल ही में मिली है। इस संबंध में माननीय संभागीय आयुक्त महोदय द्वारा भी निरीक्षण के दौरान ये पाया गया था कि बिना रिपोर्टों के लंबी अवधि तक अनुज्ञा पत्र को नवीनीकरण नहीं करना आपत्तिजनक है। लालनू का सरकारी अस्पताल हाईटेक हो गया है। अस्पताल में होने वाली हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए अस्पताल में सीसीटीवी लगा दिए गए हैं। अस्पताल में 1,00,000 रुपए की लागत से 16 सीसीटीवी लगाए गए हैं। भर्ती वार्ड, लैब और अस्पताल गेट समेत अलग अलग जगहों में सीसीटीवी लगाए गए हैं ताकि कर्मचारियों के साथ साथ अस्पताल में आने जाने वालों पर नजर रखी जा सके। बढ़ती आपराधिक वारदात को रोकने के लिए अस्पताल में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। ग्रेड पे बढ़ाने की मांग कर रहे लैब कर्मचारियों को प्रशासन ने बातचीत के लिए बुलाया है। स्वास्थ्य विभाग ने लैब एसोसिएशन के पदाधिकारियों को बातचीत के लिए बुलाया है ताकि इस समस्या का समाधान निकाला जा सके। लैब कर्मियों ने कहा है कि अगर उनकी मांगों पर सहमति बनती है तो आंदोलन खत्म कर देंगे। ग्रेड पे नहीं बढ़ाए जाने पर आंदोलन जारी रहेगा। आपको बता दें कि सूबे के लैब कर्मी ग्रेड पे बढ़ाकर 4,200 रुपए करने की मांग लंबे वक्त से करते आ रहे हैं। से सरकार के आलाधिकारियों से हमारी संघ की मीटिंग है जिसमें प्रमुख शासन सचिव मुकेश शर्मा जी, उप शासन सचिव, हमारे विभाग के एडिशनल डायरेक्टर साहब रहेंगे। अगर सरकार हमारी मांगों पर शांतिपूर्वक बातों को ध्यान रखते हुए मांगों को मानती है तो हम सहवर सरकार का धन्यवाद करते हैं, अदरवाइज हमारे को उग्र आंदोलन पर जाना पड़ेगा। रायसिंह नगर में दलाल दंपत्ति के चंगुल से छुड़ाए गए बच्चों के परिजन करनाल पुलिस की टीम के साथ रायसिंह नगर पहुंचे। पुलिस बच्चियों को अगवा करने के आरोपी दंपत्ति को लेकर हरियाणा रवाना हो गई है। आपको बता दी गुरुवार को पुलिस ने रेलवे स्टेशन के पास मिली दो बच्चियों को दलाल दंपत्ति के चंगुल से आजाद कराया था। दो बच्चियां करनाल से पिछले एक महीने से लापता थी। दलित परिवार की दोनों बच्चियों की उम्र 10 और 12 साल है, जिन्हें आरोपी दंपत्ति नौकरी और शादी कराने का झांसा देकर अपने साथ लाया था। पुलिस पीड़ितों से पूछताछ कर रही है। भरतपुर पुलिस ने यात्रियों से लूटपाट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए बदमाश बसों में यात्रा करते थे, इसी बीच यात्रियों की नजर बचाकर उनके पास रखा सामान, नकदी और जेवर लूट लेते थे। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी बस से उतर जाते थे। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पूछताछ में कई वारदातों का खुलासा होने की उम्मीद है। बांदीकुई में रेलवे ने हनुमान जयंती के मौके पर श्रद्धालुओं को शताब्दी ट्रेन की सौगात दी है। आज शताब्दी ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई। बांदीकुई में शताब्दी ट्रेन का 6 महीने के ठहराव किया गया है। जंक्शन पर ट्रेन का ठहराव होने से मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को फायदा होगा। इस मौके पर बांदीकुई विधायक अलका सिंह के साथ प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे। प्रदेश भर में हनुमान जयंती श्रद्धापूर्वक मनाई जा रही है। हनुमान जयंती के मौके पर जगह जगह विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। हम आपको इस वक्त 3 अलग अलग शहरों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, फतेहपुर, सीकर और जहाजपुर की। फतेहपुर में हनुमान जयंती के मौके पर भजन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सीकर में हनुमान जयंती के मौके पर विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा देवीपुरा मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई। आखिरी तस्वीर जहाजपुर की है, जहां बालाजी को 56 व्यंजनों का भोग लगाया गया। मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं ने विधिवत पूजा अर्चना कर खुशहाली का आशीर्वाद मांगा।